बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा का तावीज़, जादू बंदिश और नजर बद का तोड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जिस शख्स के पास सूरह बकरा का तावीज़ हो, उसकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात किस तरह दिनों में हल होती हैं। सूरह बकरा की फजीलत में सैयदना अबू इमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि कुरान पाक पढ़ो, इसलिए कि वो कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारशी होकर आएगा, और दो सूरतें चमकती पढ़ो, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, इसलिए कि वो मदाने कयामत में आएंगी, गोया दो बादल हैं या वो साइबान या दो टुकड़ियाँ हैं उड़ते जानवर की, और हुज्जत करती हुई आएंगी अपने लोगों की तरफ, और सूरह बकरा पढ़ो के लेना इसका बरकत है और छोड़ना इसका हसरत है, और जादूगर लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। नाजरीन, आजकल अक्सर अफराद जादू टूने और बंदिश की जद में हैं, और जो काम भी वो करना चाहते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। माँ बाप अगर बच्चियों की शादी करना चाहते हैं तो अच्छे रिश्ते नहीं आते। बाज़ मियाँ बीवी औलाद की नेमत से महरूम हैं, और बहुत से मियाँ बीवी हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते हैं। शोहर की किसी गैर औरत में दिलचस्पी की बिना पर बीवी शोहर की मोहब्बत और तवज्जो नहीं पा सकती। बहू को ससुराल में बेहद जिल्लत की नज़र से देखा जाता है, और उसका मुकद्दर बस यही बन चुका है कि या तो वो शोहर की लापरवाही और मार पिटाई सहती रहे, या सास और नंदों के ताने बर्दाश्त करे। इसी वजह से अक्सर बीवियाँ मुसलसल परेशान रहकर डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर या दीगर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। अगर कोई भाई कारोबार कर रहा है तो उसे नुकसान पे नुकसान होने लगता है। कर्ज, गुर्बत, बीमारी, लाचारी, मसाइब इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों को ऐसी बुरी नज़र लगती है कि वो हर दूसरे दिन बीमारी का सामना कर रहे होते हैं और इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े और बेसकूनी का माहौल बना रहता है। तालीम याफ्ता लड़के लड़कियाँ या तो बेरोज़गार हैं या उन्हें जॉब में तरक्की नहीं मिलती, और ऑफिस में भी कई तरह के मसाइल का उन्हें सामना रहता है। अलगर्ज़ आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, ख्वाह उनकी वजह जादू टूना, बंदिश, जिन्नात, सिफली मौकलात हों या फिर साया असेब और नजर बद का असर, इन तमाम परेशानियों से निजात के लिए सूरह बकरा का तावीज़ बहुत ही फजीलत का हामिल रहा है। सूरह बकरा तलावत के अतबार से भी बेहद फ़ायदेमंद है, और सूरह बकरा की तलावत के फजाइल भी बेशुमार अहादीस मुबारका से साबित हैं। इसमें ज़िंदगी के हर मसले का हल मौजूद है। हमारे रूहानी सेंटर में हर साल हज़ारों की तादाद में सूरह बकरा के तावीज़ात तहरीर किए जाते हैं, फिर सिलसिले के तमाम मेंबरान मिलकर हज़ारों की तादाद में सूरह बकरा की तलावत और लाखों की तादाद में इसमें आज़म का विर्द करके इन नकूश पर दम करते हैं, जिससे नक्श सूरह बकरा की रूहानी तासीर कई हज़ार गुना बढ़ जाती है, और जिसके पास भी ये नक्श होता है उसकी ज़िंदगी में हायल हर रुकावट, परेशानी, बंदिश, बीमारी और दीगर मसाइल दिनों में हल होने लगते हैं। नाजरीन, नक्श सूरह बकरा जिस घर में होता है वहाँ हमेशा रहमतें, बरकतें और खुशियाँ आती हैं, और रूहानी फैज़ भी बेहदो हिसाब मिलता है इंशाल्लाह। अगर आप सूरह बकरा का नक्श बतौर 1400 हदिया या फिर अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह हासिल करना चाहते हैं तो मर्द हजरात हसनैन साहब से 0306511214 पर, और ख़वातीन 0321797083 पर राब्ता कायम करें। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।